हेलो हेलो चिल्ड्रेन, टुडेज लेसन इज लेसन 12, हु हैज सीन द विंड। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन। टुडेज लेसन इज हु हैज सीन द विंड, लेसन नंबर 12, क्लास 6। दिस इज कविता आचार्य जी, टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल, पांडुका, डिस्ट्रिक्ट गरियाबंद। लेट्स स्टार्ट द पोएम, लेसन नंबर 12, क्लास 6, हु हैज सीन द विंड। लेसन के शुरू में क्या दिया है, एक प्रश्न पूछा गया है, हु हैज सीन द विंड। तो लेसन स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को अबाउट द लेसन जानकारी होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द लेसन। दिस इज अ फेमस पोएम रिलेटेड टू आवर एनवायरमेंट, रिटन बाय क्रिस्टीना रोजेटी, दैट चिल्ड्रन वुड लाइक टू रीड फॉर एंजॉयमेंट। ये जो पोएम है, ये प्रसिद्ध पोएम है क्रिस्टीना रोजेटी का लिखा हुआ। पोएट का नाम है क्रिस्टीना रोजेटी। कि बच्चों में क्या है, मजा या खुशी का माहौल पैदा हो और बच्चे इस माहौल में कुछ सीखे। प्रस्तुत कविता प्रकृति और वातावरण से संबंधित क्रिस्टीना रोजेटी द्वारा लिखित एक चर्चित कविता है, जिसे पढ़ना बच्चे पसंद करेंगे। ये बहुत ही फेमस है। तो ये जब हम लोग पोएम को जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बच्चों आप लोग सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम लेसन, हु हैज सीन द विंड, लेसन 12। इससे पहले पोएट का फोटो जा रहे हैं आपका स्लाइड में, बच्चों देखिए, क्रिस्टीना रोजेटी। ये आप लोग की उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही फेमस पोएम लिखे हैं, हु हैज सीन द विंड। लेट्स स्टार्ट द पोएम, हु हैज सीन द विंड, जिसमें एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है, हवा को किसने देखा। विंड माने हवा, हु मतलब कौन, हैज सीन मतलब देखा है, किसने देखा है हवा को, हवा को किसने देखा है क्या, इससे प्रश्न पूछा गया है। और ये पोएम हम जब पढ़ेंगे तो हमको जवाब भी मिल जाएगा बच्चों। तो सो बी अटेंटिव, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग एक बार पोएम को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे रिसाइट द पोएम करेंगे, उसके बाद रेसिटेशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम, हु हैज सीन द विंड, नीदर आई नॉर यू, बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेमलिंग, द विंड इज पासिंग थ्रू। हु हैज सीन द विंड, किसने देखा है हवा को, Neither I nor you, ना मैं देखा हूँ ना आप देखे हो। Neither का मतलब ना, nor भी सेम, जब दोनों का आपस में तुलना किया जाता है neither और nor से बताया जाता है कि ना मैं देखा हूँ ना आप देखे हो। But when the leaves hang trembling, but मतलब परंतु, जब, when मतलब जब, the leaves, leaves माने पत्ते, हैंग ट्रेमलिंग, हैंग मतलब झूलना, ट्रेमलिंग मतलब कांपना, जब पत्ते क्या होते हैं, पेड़ में झूलते हैं या कांपते हैं, तो विंड इज पसिंग थ्रू, हवा जो है, द विंड माने हवा, हवा मतलब बहती हवा को विंड कहते हैं। द विंड इज पसिंग थ्रू, पसिंग थ्रू मतलब पास करना, मतलब गुजरना, थ्रू मतलब से, किसी माध्यम से जब हवा गुजरती है तो उसको कहते हैं पसिंग थ्रू। जैसे ये पत्ते या ब्रांचेस ये सब से गुजर रहे हैं हवा, इसलिए इसको कहा जा रहा है पसिंग थ्रू। तो चलिए मायने देख लेते हैं, सीन मतलब देखा, विंड मतलब बहती हवा, नीदर मतलब ना, लीव्स मतलब पत्ते, ट्रेम्बल मतलब हिलता हुआ या कांपना, है ना, जैसे कई बार आप लोग ठंड में कांपते हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं,
ट्रेम्बल करना, पासिंग थ्रू गुजरना, पासिंग थ्रू मतलब गुजरना। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दो स्टैंजा हैं। देखिए बच्चों, आपका स्लाइड में विंड, बहती हवा की बहुत सारा फोटो दिखाया जा रहा है कि हम हवा को देख नहीं सकते बेटा। इसमें बताया गया है ना कि सीन मतलब देखा, किसी ने हवा को नहीं देखा है लेकिन हम महसूस करते हैं, हम फील करते हैं कि हाँ हवा बह रही है। कब? देखिए पेड़ कैसे इसमें झुक रहे हैं, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, है ना। अम्ब्रेला जो है वो भी जैसे लग रहा है उड़ रहे हैं, और आप भी, आपका शरीर भी क्या होता है जैसे हिलता डुलता है, आपका कपड़े हिलते डुलते हैं, आपके बाल हिलते डुलते हैं, है ना। तब पता चलता है हाँ विंग इज पासिंग थ्रू, है ना। तो हवा को हमने किसी ने भी नहीं देखा, महसूस कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है सेकंड स्टैंजा। इस पोएम में दो स्टैंजा हैं। कविता की जो अलग अलग भाग होता है ना उनको स्टैंजा कह जाते हैं। तो इसमें दो स्टैंजास, टू स्टैंजास आर देयर। फर्स्ट स्टैंजा अभी हम लोग पढ़े हैं, सेकंड स्टैंजा है हु हैज सीन द विंड। फिर पोएट ने प्रश्न रखे हैं, हु हैज सीन द विंड, किसने देखा है हवा को। नीदर यू नॉर आई, ना आप देखे हो ना मैं देखा हूँ। बट वेन द ट्रीज बाउ डाउन दियर हेड्स द विंड इज पासिंग बाय। बट मने परंतु, वेन मने जब, द ट्रीज पेड़ जब बाउ डाउन दियर हेड्स, जब अपना सिर को झुकाते हैं। बाउ डाउन मतलब झुकाना, जैसे आप लोग बड़ों को प्रणाम करते हो ना उसको भी बाउ डाउन कहते हैं। तो पेड़ जब हवा के कारण झुक जाते हैं उसको बाउ डाउन कहते हैं। हेड मतलब इधर पेड़ को कह रहे हैं सिर, है ना, या जो उनका जो ऊपर का जो भाग है वो झुक जाते हैं। द विंड इज पासिंग बाय, हवा उस समय क्या होते हैं, गुजरते हैं। तो बच्चों पासिंग बाय और पासिंग थ्रू दोनों में अंतर है। पासिंग थ्रू होता है किसी माध्यम से, जैसे पत्ते या शाखाएं इसका अंदर अंदर हवा बह जाते हैं, और पासिंग बाय का मतलब होता है बाजू से या समीप से या निकट से गुजर जाना, उसको बोलते हैं पासिंग बाय। तो जब पासिंग बाय होगा तो आप जैसे खड़े रहोगे तो आपका भी शरीर के कपड़ा या हिलता डुलता रहेगा, और इधर पेड़ क्या हो रहा है, झुक रहे हैं, बैंड डाउन हो रहे हैं। तो ये आपका पोएम है बाय क्रिस्टीना रोजेटी। तो अभी हम लोग पोएम को रेसिटेशन करके हाव भाव के साथ पोएम पढ़ा जाता ना बच्चों। तो हम लोग फर्स्ट स्टैंजा में फिर से हम लोग जाएंगे, फर्स्ट स्टैंजा फिर से हम लोग जाएंगे। चलिए तो हम लोग फर्स्ट स्टैंजा ध्यान से सुनेंगे। ये कविता है तो इसलिए आपको हाव भाव के साथ लय के साथ पढ़ना है बच्चों। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना। हु हैज सीन द विंड, नीदर आई नॉर यू। बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग द विंड इज पासिंग थ्रू। मैं रिपीट कर रही हूँ, हु हैज सीन द विंड। आप ऐसे भी क्लास में करके दिखा सकते हो, हु हैज सीन द विंड, नीदर आई नॉर यू। बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग द विंड इज पासिंग थ्रू। सेकेंड स्टैंजा, फिर से प्रश्न है, हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड, नीदर यू नॉर आई। But when the trees bow down their heads, the wind is passing by. हवा क्या होती है, बह जाती है निकट से। तो ये सुंदर सा छोटा सा बट इसमें क्या है, बहुत अच्छा एक लेसन है कि हम दिखते जरूर नहीं है, हवा दिखते नहीं है लेकिन ये कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं हवा में, क्या है कि कितना शक्ति होते हैं कि ये पेड़ को हिला देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होते हैं जिसको हम देखते नहीं, देख नहीं सकते लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा शक्ति हो
होते हैं और इसको हम महसूस करने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं बच्चों। तो इस पोएम में हम लोग को सीख मिलता है कि ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि सब चीज को हमको जो आंखों से देखते हैं उसी में ताकत होती है, शक्ति होती है, ऐसा नहीं है। कभी कभी अनदेखा, जिसको हम केवल महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो भी कई बार हम लोगों को ऐसा महसूस करवाते हैं कि हम लोगों को क्या है, जो प्रकृति में चहल पहल या प्रकृति में एक अस्थिर भाव पैदा हो जाते हैं। कई बार तो क्या होते हैं, हम लोगों को हवा के कारण ठंडक पहुंचते हैं, अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है, तेज विंड, बहती हवा इतना तेज हो जाते हैं कि हम लोग क्या होते हैं, वातावरण, प्राकृतिक वातावरण जो है थोड़ा सा अस्थिर हो जाता है। तो क्रिस्टिना रोजेटी आप लोगों को विंड के बारे में, द विंड, बहती हवा के बारे में सुंदर सा दो स्टैंजा केवल 8 लाइन में हवा की जो चंचलता है, हवा की जो अस्थिर भाव है, या जो पेड़ को हिला देते हैं या हम लोगों को भी क्या है महसूस करवाते हैं, उसके बारे में सुंदर सा क्या किए हैं, वर्णन किए हैं बच्चों। तो इस पोएम को आप लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद मैं जैसे करके आप लोगों को दिखाई क्यों उसको रेसिटेशन करेंगे और याद करेंगे। आगे देखते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका क्वेश्चंस है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हैज एनीवन सीन द विंड। कवि पहले ही हम लोगों को पोएम में प्रश्न चिन्ह से पूछा है, हु हैज सीन द विंड, किसने देखा है हवा को, तो प्रश्न भी रखा गया है, हैज एनीवन सीन द विंड, किसी ने हवा को देखा है क्या। तो हम पोएम को पढ़ने के बाद पता चल गया हवा को किसी ने नहीं देखा, ये तो महसूस करने की बात है, फील करने की बात है। तो आपका आंसर क्या होगा, हैज एनीवन सीन द विंड, नो वन हैज सीन द विंड, किसी ने हवा को नहीं देखा, ये होगा बच्चों आपका पहला प्रश्न का उत्तर। नाउ सेकेंड वन, ए में, वन में ए है, बी है, बी वन इज देयर, पिक आउट द लाइन फ्रॉम द पोएम व्हिच आंसर्स दिस क्वेश्चन। हम लोग तो बता दिए हैं हवा को किसी ने नहीं देखा, तो आपको पोएम को पढ़ने के बाद, रिसाइट करने के बाद कैसे पता चला कि हवा को किसी ने नहीं देखा, तो आंसर क्या होगा, द लाइन इज, हु हैज सीन द विंड, कवि ने प्रश्न रखे हैं, किसने देखा है हवा को, नीदर आई नॉर यू, ना आप देखे हो ना मैं देखा हूं। इसी से हमको पता चलता है कि हवा को किसी ने नहीं देखा है, ये तो महसूस करने की बात है। नाउ सेकेंड वन, व्हाट डू लीव्स डू व्हेन द विंड इज पासिंग थ्रू। बेटा लीव्स है इधर, लीव्स माने पत्ते, लीफ का प्लूरल में आता है लीव्स, लीफ माने एक पत्ता होता है, लीव्स माने पत्ते, बहुत सारे पत्ते। तो व्हाट डू लीव्स डू व्हेन द विंड इज पासिंग थ्रू, पत्ते क्या करते हैं जब हवा बहती है, हवा तो बह रही है और पत्ते उस समय क्या करते हैं, द लीव्स ट्रेम्बल, पत्ते कांपते हैं, कांपने लगते हैं, व्हेन द विंड इज पासिंग थ्रू, तो जब हवा बहती है उस समय पत्ते जो है क्या करते हैं, कांपने लगते हैं, ट्रेम्बल करते हैं। मैं दिखाई थी ना, ट्रेम्बल माने ऐसे करके कांपना है ना, तो लीव्स क्या होते हैं, ट्रेम्बल करने लगते हैं जब हवा पासिंग थ्रू होता है, किसी माध्यम से अंदर ही अंदर जाते हैं, जंगल हो या गार्डन हो या कहीं पर भी। थर्ड वन, हाउ डू यू नो द विंड इज पासिंग बाय, व्हेन द ट्रीज बाउ डाउन देयर हेड्स, दैट टाइम वी कम टू नो द विंड इज पासिंग बाय, देन वी कम टू नो। जब ट्रीज, पेड़ क्या होते हैं, बाउ डाउन, बाउ डाउन मतलब मस्तक को नीचे झुकाना,
बाव डाउन ऐसे करना, मस्तक को या सिर को नीचे झुकाना। बेटा बो माने होता है जो तीर होता है ना, वो बो होता है, और ये होता है बाव डाउन, मतलब अलग है मायने। बाव डाउन मतलब झुकाना, या आप जैसे किसी बड़ों को प्रणाम करने के लिए झुकते हो, दैट इज कॉल्ड बाव डाउन। दियर हेड्स उनके सिर को झुकाते हैं। देन वी कम टू नो द विंड इज पासिंग बाय, तब हमको पता चलता है हवा निकट से ही बह रही है। पासिंग बाय मतलब गुजरना एकदम बाजू से। नाउ फोर्थ वन, व्हिच सीम्स टू बी स्ट्रॉन्गर द विंड और ट्री, क्या दिखता है ज्यादा स्ट्रॉन्गर। बेटा इसमें तुलना किया गया है स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, तो दोनों में तुलना किया है ना, कि ये क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री में आता है तुलना करने के बाद। तो स्ट्रॉन्गर मतलब है पेड़ स्ट्रॉन्गर है या हवा। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपका उत्तर के लिए कारण दीजिए। आप अगर बोलते हो कह रहे हो कि विंड इज स्ट्रॉन्गर, आप अगर कह रहे हो ट्री स्ट्रॉन्गर, तो आपको इसमें कारण दिखाना पड़ेगा क्यों है। चलिए हम लोग लिखते हैं, द विंड सीम्स टू बी स्ट्रॉन्गर बिकॉज व्हेन इट पासिस थ्रू द ट्रीज बाउ डाउन देयर हेड्स। हवा क्या है ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, शक्तिशाली है, ज्यादा शक्तिशाली है किससे, विंड किससे, ट्री से। विंड और ट्री से अगर तुलना कर रहे हैं, विंड ज्यादा शक्तिशाली दिखती है। व्हेन इट पासेस थ्रू, जब ये गुजरते हैं, द ट्रीज बाउ डाउन देयर हेड, पेड़ क्या हो जाते हैं अपना सिर को हवा के कारण झुका लेते हैं, वो अपने आप को सीधा रख नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि कौन है, द विंड इज स्ट्रॉन्गर, इसमें विंड ज्यादा क्या है स्ट्रॉन्गर है, शक्तिशाली है। अगर स्ट्रॉन्गर नहीं होता तो क्या होते, पेड़ अपने आप को सीधा रखते है ना, पेड़ अपने आप को सीधा नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि वो झुक रहे हैं हवा के कारण। तो हवा में इतना ताकत है कि पेड़ को झुका रहे हैं, तो ये आपका कारण है कि ट्रीज बाउ डाउन देयर हेड्स, पेड़ अपना सिर को झुका लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना बच्चों। लिसन टू योर टीचर केयरफुली, आपके टीचर को ध्यान से सुनेंगे आप लोग। यू विल हियर फोर वर्ड्स, आपको चार शब्द सुनने को मिलेगा, चार शब्द सुनने को मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे। वन ऑफ देम डजंट राइम विथ अदर थ्री, एक उसमें से राइम नहीं होता। राइम किसको बोलते हैं हिंदी में, तुकांत शब्दों को राइम कहते हैं, जिसमें अंत में अंत का दो लेटर का मेल रहता है, जैसे पेन बैन टेन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स और हिंदी में तुकांत शब्द, जैसे आना जाना है ना, उसको कहते हैं। टिक द नंबर ऑफ द ऑड वर्ड्स, ऑड माने जो उनसे मेल नहीं खाता, चार शब्द है ना बच्चों, तो उसमें जो शब्दों का मेल नहीं होता है उसमें आपको क्या बनाना है, ये आपका आंसर सीट है, इसमें आपको एल सर्कल करना है, गोला बना देना है। चार शब्द मैं बताते जाऊंगी और आपको इस आंसर सीट में गोला बनाना है। और ये जो आपका सी अपेंडिक्स लेसन 12, ये आपका टेक्स्ट बुक का पीछे दिया गया है, पीछे दिया गया है, इसमें पेज नंबर 100, हो सकता न्यू बुक में 101 भी हो सकता है ना, लेसन 12 का दिया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है मैं इसी में कर देती हूँ कि हु हैज सीन द विंड, नेक्स्ट स्लाइड से पता चल रहा है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, माइंड विंड फाइंड काइंड, मैं जो पढ़ रही हूँ इसमें एक इसमें ऑड है, एक जो है मेल नहीं खा रहा है, तुकांत
या राइमिंग नहीं बन रहा है, एक शब्द, एक वर्ड। माइंड, विन, फाइन, टाइम, तो कौन सा लग रहा है इसमें? सेकेंड वन, विंड, है ना। सेकेंड वन में हम लोग क्या करेंगे, एन सर्कल, गोला बना देंगे। ये मेल नहीं खाता, दिस वन ऑड वन, क्या है, ऑड वन, है ना। तीनों का तो मेल खा रहा है, माइंड, फाइन, टाइम, है ना, एक साथ मेल खा रहा है। लेकिन विन, इसमें क्या हो गया, आई का जो है इसमें छोटी ई का क्या आ गया है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आ गया वी। अब सेकेंड वन में क्या है, हैंग, सैंग, बैग, रैन, तो इसमें क्या है, हैंग, सैंग, रैन, तीनों क्या है, राइमिंग है, तुकांत शब्द है। लेकिन बैग जो है, बैग, बी ए जी बैग, ये क्या है, मेल नहीं खा रहा है, तो इसमें क्या है, गोला बना देंगे, एनसर्कल कर देंगे, बी ए जी, है ना। आप लोग आंसर शीट में इसको गोला बना देंगे नंबर थ्री में। अब नाउ थर्ड वन इज यू गो डू हु, यू गो डू हु, है ना। तो इसमें गो जो है, गो जो शब्द है, वर्ड है, वो मेल नहीं खा रहा है, राइमिंग नहीं बन रहा है, तुकांत शब्द नहीं है। बाकी जो तुकांत शब्द हैं बच्चों, यू डू हु, है ना, तीनों का मेल हो रहा है, राइमिंग बन रहा है, लेकिन गो में नहीं बन रहा है। तो गो में हम लोग गोला बना देंगे या एल सर्कल कर देंगे आंसर शीट में। नाउ फोर्थ वन, आई बाय डाई से, आई में आ रहा है बाय डाई, उसके बाद से में क्या हो गया, ए का एक प्रोनाउंसिएशन आ गया, है ना। तो आई बाय डाई, ये एक साइड है, से जो है ऑड वन है, सो वी विल एनसर्कल फोर्थ वन। नाउ फिफ्थ वन, डन, डाउन, ब्राउन, क्राउन, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में ध्यान देंगे बच्चों, डन, डाउन, ब्राउन, क्राउन, है ना। तो डन जो है ना, ये क्या है, ऑड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एन सर्कल कर देंगे आंसर शीट में, आंसर शीट में करेंगे, ये पेज नंबर 101 में नहीं करेंगे बच्चों। आपका जो बुक में जो लेसन है ना, आंसर शीट में आप लोग कर देंगे इसमें। नाउ सिक्स्थ वन, हेड, बेड, बिट, रेड, हेड, बेड, बिट, रेड, तो थर्ड वन जो है ये मेल नहीं खा रहा है, बी ई ए टी, ये क्या है, एल सर्कल करना है, दिस वन ऑड वन बच्चों, है ना, थर्ड में आपका आंसर सीट थर्ड में एल सर्कल करेंगे, क्योंकि हेड, बेड, रेड, इसमें सब में क्या है, एक समान उच्चारण है, बीट में नहीं है। नाउ सेवेंथ वन, ट्री, हे, ही, फ्री, ट्री, हे, ही, फ्री, ट्री, ही और फ्री, सेम उच्चारण है, लेकिन हे जो है ना, हे जिसको बोलते हैं, पैरा को बोलते हैं, या सूखी घास को कहते हैं बेटा, है ना, तो ये हे जो है, इसमें उच्चारण क्या है, अलग है, ऑड वन है, तो हे में हम लोग क्या करेंगे, एन सर्कल करेंगे, क्या करेंगे, एन सर्कल या गोला बनाएंगे। नाउ एट वन, सिन, ध्यान से देखेंगे एट वन, सिन, सिन, बिन, किन, है ना, तो इसमें क्या है,
देखिए डबल ई, तुकान शब्द सब में क्या है, सिन, डबल ई करके है सब में, लेकिन एक में आ गया है वावल में आई, सिन, तो ये एस आई एन सिन, ये क्या हो जाएगा ऑड वन, क्योंकि सब में डबल ई है ना। तुकांत शब्द या राइमिंग वर्ड में दो लेटर में कम से कम आखिरी में मेल आता है बच्चों, तो इसलिए क्या है इसमें सिन में मेल नहीं खा रहे हैं, एस आई एन आ गया है, दिस इज वाई दिस वन ऑड वन सिन है ना, सिन बिन किन, इसमें सिन एस आई एन ऑड वन। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को पता चल गया है। तो ये जो बच्चों तुकान शब्द है ना, राइमिंग है, ये आप लोग घर में ये इस पोएम के जरिए या और बहुत सारा आपका टेक्स्ट बुक में बहुत सारा शब्द है उससे लेकर आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा उच्चारण के अनुसार, इसको ऑड वन और जो सिमिलर वन जो एक जैसा है उसको अलग करके प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को ये जो राइमिंग वर्ड है तुकांत शब्द जो है इसमें आप लोगों को कमांड आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट होम असाइनमेंट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फील इन द ब्लैंक्स, चूज वर्ड, आप लोगों को क्या करना है इसमें से चूज करना है, उसके बाद आपको क्या करना है फील करना है इसमें, फील इन द ब्लैंक्स है ना खाली स्थान में। मैं केवल आप लोगों को, ये तो होमवर्क है ना, मायने बता रही हूँ। ट्रेवलिंग मतलब कांपना, विंड मतलब बहती हवा, नीदर नॉर मतलब ना, दो चीज में जब हम बताते हैं, जैसे ना मैं क्या करती हूँ कुछ मीठा खाना पसंद करती हूँ, ना मैं क्या है कि तीखा खाना पसंद करती हूँ, तो उस जगह में क्या होगा नीदर नॉर, या आप लोग नाइदर नॉर भी कह सकते हो, दोनों उच्चारण सही है, नीदर नॉर या नाइदर नॉर। ओके, नोबॉडी मतलब कोई भी नहीं, बाउ डाउन मतलब झुकना, तो ये आप लोगों को जो मीनिंग है, जैसे हैज सीन द विंड है ना, हवा को बहती हवा को किसने देखा ऐसा करके, तो आपको क्या करना है वर्ड को इसमें फील करते जाना है। द गर्ल वॉज गैस विथ फियर, फियर मतलब डर, मूविंग एयर इज कॉल्ड, जो बहती है हवा उसको क्या कहते हैं, आई लाइक डैश स्वीट्स डैश कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें क्या होगा स्वीट्स माने मीठा और कोल्ड ड्रिंक्स मतलब पेय है ना, जो हम लोग पीते हैं, व्हेन द ट्रीज पे डैश डियर हेड्स द वी पसी बार, जब क्या करते हैं पेड़, हेड्स मतलब इधर पेड़ की सिर है ना, या अपना जो ऊंचा जो भाग है ऊपर की भाग को जब झुकाते हैं है ना। तो ये आपको होम असाइनमेंट है, और पोएम जो है बहुत चर्चित पोएम है बच्चों, इसको ना लास्ट में और एक बार आप लोगों को फर्स्ट लाइन से एक बार रेसिटेशन करना सिखा देती हूँ, फास्ट इसमें और एक बार सिखा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत चर्चित पोएम है और इसको आप लोग रेसिटेशन भी बहुत अच्छे से करना है। क्लास में आप लोग क्या करेंगे, सब खड़े हो जाएंगे है ना बच्चे, और अपने आप में क्या करेंगे, जैसे करेंगे पहले ही पोएट ने हम लोगों को कह रहे हैं किसने देखा है हवा को, प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, तो आप लोग ऐसे बोलेंगे हु हैज सीन द विंड, नीदर आई नॉर यू, बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना, ऐसे दिखाते हुए करेंगे, द विंड इज पसिंग थ्रू, हवा बहती है, ऐसे करके दिखाएंगे। फिर प्रश्न है हु हैज सीन द विंड, फिर से आप लोग प्रश्न करेंगे, नीदर यू नॉर आर, बट व्हेन द ट्रीज बाउ डाउन देयर हेड्स, जब पेड़ अपना सिर को झुकाते हैं, बाउ डाउन माने झुकाना, जैसे क्लास में कह जाते हैं बच्चों बाउ डाउन, तो ऐसे करके झुकाओगे आप लोग अपना सिर को,
विंड इज पसिंग बाय, हवा क्या होते हैं, बहती है निकट से, उसको कहते हैं कि हवा है, हवा की महसूस हम करते हैं, इसी कारण कहते हैं देयर इज विंड, है ना। हमेशा तो नहीं होता है विंड, लेकिन जब होता है हम महसूस करते ही हैं। तो ये आपका एक अच्छा सा छोटा सा पोएम था, लेकिन इससे बहुत बड़ा सीख मिला कि महसूस करते हैं वो कुछ कुछ चीज़ों को, उसका अस्तित्व को हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस करने से भी हमको पता चलता है कि हाउ स्ट्रॉन्गर द विंड इज, है ना। तो ये आपका लेसन था, हु हैज सीन द विंड, किसने देखा है हवा को, तो आपका आंसर होगा नो वन हैज सीन द विंड बट वी कैन फील द विंड, है ना। तो हवा को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये आपका लेसन था, इसको आप लोग याद कीजिए, प्रश्न उत्तर को लिखिए और पढ़िए। ओके बच्चों, दिस वाज योर लेसन नंबर 12, हु हैज सीन द विंड क्लास 6। छोटा सा पोएम था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। ओके बच्चों, सी यू नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय।